मामा क्या था अगर आप जुबैर अंकल की तरफ चली जाती डेट फिक्स करने? जो जुबैर साहब है ना, इनका रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अजीब तरीके से बिहेव करता है इंसान। नवैरा का रिश्ता हमें देख के ऐसे कर रहा है जैसे हमारे सर पे कोई एहसान किया। मामा जिस तरह आप मुझसे और रिश्बा से मोहब्बत करती हैं, वैसे ही वो भी नवैरा से करते हैं। और अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी को सौंप देना कोई आसान काम नहीं होता, और वो बहुत प्रोटेक्टिव है नवैरा को लेकर। सब माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनको रुखसत भी करते हैं, लेकिन इन लोगों का मैंने कोई नया रिवाज देखा है। जिनको बेटी दे रहे हैं उन्हीं को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, तो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और मुझे तो अपने बेटों की तरह समझते हैं। आप डेट फिक्स करने उनकी तरफ नहीं गई, बस फोन पर हुक्म सुना दिया, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उल्टा डिग्रेड तो हमने उनको किया। समान तुम क्यों फजूल की बहस करना शुरू कर देते हो हर बात के ऊपर? मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे उसका अननेसेसरी एटीट्यूड पसंद नहीं है। कुछ रिश्ते ना मामा, मजबूरी के तहत भी निभाने पड़ते हैं। बेगम साहिबा, बाइट फारस साहब आए हैं। अच्छा, नवैरा का भाई। चलो तुम जाओ।